आज के इस वीडियो से हम लोग CSS स्टार्ट करने वाले हैं। इस कोर्स में हम लोग काफी आगे बढ़ गए, हमने HTML को पूरा फिनिश कर लिया और आप में से कई लोगों ने बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म दिखाया। अपना इंटरेस्ट बिल्कुल भी डिक्लाइन मत करना इस वीडियो में, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड हाई एनर्जी के साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच OP जरूर लिख देना। ऐसी हाई एनर्जी को मेंटेन करना है हमें थ्रू आउट द कोर्स। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की मदद से हम लोग HTML को सप्लीमेंट करते हैं कुछ स्टाइल से। जो HTML है ना, इट वॉज नेवर इंटेंडेड टू क्रिएट स्टाइल्ड पेजेस। यानी कि HTML का काम शुरू से यही रहा था कि वो एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा कर दे और उसके बाद CSS जिम्मेदारी लेता है पेज को स्टाइल करने की। CSS के अंदर सेलेक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने में मदद करते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि सेलेक्टर क्या होता है, CSS किस तरह से लिखी जाती है और आने वाले वीडियोस में वी आर गोइंग टू रेज द बार लाइक एनीथिंग। हम लोग रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स बनाएंगे और ऐसी ऐसी वेबसाइट्स जैसे कि Amazon, Flipkart, Netflix, YouTube, ये सारी वेबसाइट्स आप कैपेबल रहेंगे बनाने के लिए। तो यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एंड हमेशा की तरह यहाँ पर भी एक फोल्डर बनाऊंगा और फोल्डर बनाऊंगा वीडियो 14 के नाम से। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार इस कोर्स के अंदर, क्योंकि यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इस लेवल का कोर्स कभी नहीं बनाया है। अब यहाँ पर CSS के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि यार CSS को क्यों आप लोग यूज़ करोगे। HTML कभी भी नहीं बनी थी वेब पेजेस को स्टाइल करने के लिए, हमेशा HTML बनी थी एक स्केलेटन खड़ा करने के लिए। बहुत सारे टैग्स ऐसे थे HTML के अंदर जो कि डेप्रिकेट हो गए, जैसे कि फॉन्ट टैग, क्योंकि HTML की जिम्मेदारी थी एक स्केलेटल वेबसाइट को खड़ा करना। दैट्स अबाउट इट। उसके बाद का जो काम है वो सारा CSS को संभालना था। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स को तो बनाएंगे और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है वो भी कर लेना, सोर्स कोड सारा यहां पर आ ही रहा है। codewithhari.com/notes पर अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोग HTML के नोट्स को डाउनलोड कर लेना, एडिशनल चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आप यहां PDF नोट्स पर जैसे क्लिक करोगे आप लोग को HTML के PDF नोट्स मिल जाएंगे। ये मेरे ही हैंडराइटिंग में मेरे हाथ द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत मेहनत डाल के लिखे हैं, तो डाउनलोड सब लोग जरूर कर लेना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका मैं। यहां पर एक बात मैंने बताई थी कि यार जो HTML है अगर वो कार की बॉडी है, यानी कि जो कार का ढांचा होता है वो है, तो CSS कार का पेंट, डेकोरेशन, डिजाइंस, सीट्स, इंटीरियर, ये सारी चीजें हैं। और जावास्क्रिप्ट क्या है? इंजन और इंटरनल लॉजिक। खैर ये इंजन और इंटरनल लॉजिक की बातें तो हम बाद में करेंगे, HTML हमने पूरा किया, अब हम CSS ये बात कर रहे हैं CSS की हम लोग आज, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स और बताता हूँ, जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है, स्केलेटन को आप HTML समझ लो, स्किन हो गया, बाल हो गए, ये सब आप CSS समझ लो, और जो ब्रेन है हमारी, हमारी नर्व्स है, हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो सब हमारी जावास्क्रिप्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई है यार आप लोगों को अभी, ठीक है। तो कुल मिलाकर HTML वॉज नेवर इंटेंडेड टू स्टाइल वेबसाइट्स, ये जिम्मेदारी CSS ने ली। CSS ने कहा HTML तुम्हारा काफ़ी हो गया, अब मैं आ गया हूँ और मैं अब स्टाइलिंग करने में पूरी मदद करूंगा। तो CSS ने जिम्मेदारी ले ली पेजेस को स्टाइल करने की, ठीक है। तो ये HTML के नोट्स आप लोग जरूर डाउनलोड करना। खैर स्पॉइलर अलर्ट, नोट्स तो CSS के भी बहुत धांसू हैं, लेकिन अभी मेरी बात सुन लेना पहले, उसके बाद डाउनलोड करना। स्पॉइलर दे दिया है मैंने, बट अभी मत करना डाउनलोड, ये भी मैंने बहुत टाइम लगा के बहुत मेहनत से लिखे हैं, ठीक है। तो यार देखो चीज़ें तो बहुत सारी मिलने वाली हैं और मज़ा आ रहा है, इस लेवल का कोर्स कभी बनाया ही नहीं है मैंने, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये है। तो यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये जो वीडियो 14 वाला फोल्डर है वो मेरा VS कोड में खुल गया। अब मैं यहाँ पर index.html अगर एक फाइल बनाऊँ और एक्सक्लेमेशन मार्क मार कर यहाँ पर कुछ इस तरह से बॉयलर प्लेट कोड, जैसे कि हम अपने HTML कोर्स में कर ही रहे थे वैसे हम लोग अगर करें बिल्कुल HTML के वीडियोस की तरह, और यहाँ पर मैं टाइटल में CSS लिख दूँ और बॉडी में मान लो मैं एक div लिखूँ और इसके अंदर लिख दूँ Hey I am Harry एंड टुडे आई एम इन CSS मूड, ठीक है। मान लो मैंने ये लिखा और यहाँ पर प्रीव्यू करूँ तो यहाँ पर जैसे ही मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो Hey I am Harry and today I am in CSS mood। तो CSS क्या होती है? CSS बेसिकली आप लोग ऐड कर सकते हैं स्टाइल टैग का इस्तेमाल करके। क्या दो और तरीके होते हैं जो कि मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कह देता हूँ कि यार देखो भाई जो div है ना, जो div है उसका कलर कर दो रेड। मान लो मैं ये बोलता हूँ, मैंने कहा क्या कि जो div है उसका कलर कर दो रेड, तो इस div के अंदर ये जो div है ये क्या है, ये सेलेक्टर है और ये हमारा डिक्लेरेशन है। तो सेलेक्टर और डिक्लेरेशन, सेलेक्टर क्या है? div है, यानी कि इस पेज के सारे divs के कलर को, जो कि ये हमारी की है, ये वैल्यू है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की,
कलर को रेड कर दो, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिक्लेरेशन और ये होता है हमारा सिलेक्टर। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को पेज दिखाऊं तो देखो इसका कलर हो गया क्या रेड, क्योंकि मैंने कहा कि इस पेज में जो भी डिव है उसके कलर को कर दो रेड, ठीक है। तो अगर मैं एक दूसरा डिव भी यहाँ पर बनाऊंगा ना और उसके अंदर अगर लिख दूँ आई एम गुड, तो उस आई एम गुड का कलर भी रेड ही होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर इसी के अंदर मैं एक और डिक्लेरेशन डाल दूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ बैकग्राउंड येलो, तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड भी येलो हो गया, इसका बैकग्राउंड भी येलो हो गया। इस सेलेक्टर को जो भी मैच करेगा उस एलिमेंट का बैकग्राउंड येलो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मैंने बोला डिव और यहाँ पर ये डिव था एक और एक ये डिव था। अगर मैं यहाँ पर एक स्पैन बना दूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ आई एम ऑल्सो गुड, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या ये भी रेड होगा? नहीं, इसका कलर रेड नहीं होगा, क्योंकि दिस सेलेक्टर एंड दीज डिक्लेरेशंस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन दीज एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो कि डिव नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ भी डाल दूँ और इसमें यहाँ पर लॉरम 435 डाल दूँ, उप्स आई थिंक 435 इज़ टू मच, 43 इज़ इनफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने बहुत बड़ा लॉरम डाल दिया जो कि हमारे पेज को काफ़ी बड़ा बना देगा। इसमें ये जो डिक्लेरेशन थी ये लागू नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई लागू, सिर्फ मैंने बोला था डिव, इसीलिए डिव में ये सारी जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई हो गई। अब यहाँ पर कॉमा लगाकर मल्टीपल एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ डिव और स्पैन दोनों में ऐसा कर दो, तो डिव और स्पैन दोनों में कलर रेड हो जाएगा और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। डिव और स्पैन क्या है? मेरे सेलेक्टर्स हैं, तो मैंने मल्टीपल सेलेक्टर्स में ये डिक्लेरेशन अप्लाई किए हैं। ये है प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर इज़ अ प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू येलो है, कलर इज़ अ प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर भी डिव होगा, जहाँ पर भी स्पैन होगा, वहाँ पर ये चीज़ लागू हो जाएगी। एंड दैट्स प्रीटी मच हाउ CSS वर्क्स। बस इतना ही है यार। बस अब हम आने वाले वीडियोस में क्या सीख रहे होंगे कि यार ये प्रॉपर्टी से ये होता है और ये सेलेक्टर से ये होता है। मैं आपको अलग अलग तरह के सेलेक्टर्स के बारे में बता रहा, बस यार दैट्स अबाउट इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। और इन सेलेक्टर्स का इस्तेमाल करके हम लोग Amazon जैसी वेबसाइट, हम लोग Flipkart जैसी वेबसाइट, हम लोग Facebook जैसी वेबसाइट और तो और Instagram जैसी वेबसाइट, ये सब बना सकते हैं। और आजकल तो मार्केट में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे आप लोग इस तरह की कोडिंग करके मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे यार, बहुत एक्सटेंसिव लेवल का ये कोर्स होने वाला है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी, इतनी चीज़ों को टच कर रहे होंगे हम लोग। मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी थी एक वीडियो नंबर 12 में, तो अगर आप लोगों ने अपना आंसर पोस्ट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर जरूर पोस्ट कर देना, क्योंकि मैं शाउट आउट देने वाला हूँ जो जो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को पोस्ट करेगा। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर वीडियो 12 में जाकर प्योर HTML प्लेयर वाली जो एक्सरसाइज उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि यार टू वे इंटरेक्शन होगा तो मज़ा आएगा, दोनों तरफ से बातें होंगी, यहाँ से मैं आप लोगों को शाउट आउट दूंगा, वहाँ से आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, तब मज़ा आएगा। तो इसको सॉल्व जरूर कर देना। अब मैं आप लोगों को रेप्लेट के बारे में बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमारे पास फोन है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यार रेप्लेट इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। आपको सिंपली यहां पर साइन अप करना है एंड यू विल बी एबल टू राइट HTML CSS JavaScript here, और बहुत बढ़िया चलता है। मैंने यूज किया हुआ है अपने प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट्स के लिए और इस चैनल पे भी मैंने आप लोगों को बहुत वीडियोस बनाकर दिखाए हैं रेप्लेट पे। तो हमने इनफैक्ट 100 डेज ऑफ कोड पूरा रेप्लेट पे किया था। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप फोन में कोडिंग करते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। सो यार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये लिखकर बताओ कि मजा आ रहा है सो फार इस कोर्स में कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यार मैं आप सबका कमेंट चाहता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में कि मजा आ रहा है। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लेना, इस सोर्स कोड को भी एक्सेस कर लेना, सारे वीडियो के सोर्स कोड मैंने अपडेट कर दिए, और अपने गांव और ताऊ दोनों की जमीन मेरे नाम कर देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।